अपडेट करें कि आपको अहम खबर है। इसे आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से पाक फौज के ताल्लुकाते आमा के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम जवानों ने तमाम ऑफिसर्स ने जामे शहादत नोश कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीक के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर को जबरी रिटायर्ड अफसरों ने मकामी बलोच शर्मचारों के साथ मिलकर ग्राउंड टू एयर मिजाइल मारकर गिराया है। इसमें एक बलोच तंजीम ने कलीदी किरदार अदा किया। ताहम जब तक वो बलोच तंजीम खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती, रेडियो हमालिया ने उनका नाम लेने से गुरेज करने का फैसला किया है। बलोच शर्मचारों के लिए ये एक अहम कामयाबी है और ये बाजवा को भी एक पैगाम है कि वो अब निशाने पर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जो खबर आई थी कल कि जो पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर था वो लापता हो चुका था, उसका पता नहीं लग पाया था, अब उसका पता चल गया है और वो हेलीकॉप्टर जहाँ पे क्रैश हुआ है उसका भी अंदाजा लग गया है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है क्रैश होने के पीछे इसमें बलूचिस्तान का हाथ है। इसमें बलूचिस्तान के रिटायर जो फौजी है उसने उस पर मिसाइल दागा था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में बैठे छहों के छहों फौजी जान अपना गंवा बैठे। क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर में पाकिस्तान फौजियों के खिलाफ जंग जारी रही है और पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो हमेशा बलूचिस्तानियों को सताते हैं। इसके लिए जो बलूचिस्तानी हैं वो अब पाकिस्तानी फौजी के जान के दुश्मन बन चुके हैं और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ भी वो आवाज़ उठाने लगे हैं। दोस्तों जो हेलीकॉप्टर में छः बड़े बड़े फौजी थे वो छहों के छहों मारे जा चुके हैं और हेलीकॉप्टर के सहित उनका लाश भी सामने नजर आया है। पहले तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू था कि जो ये हेलीकॉप्टर है वो रडार से हट गई है और वो सुरक्षित जगह पर होंगे, लेकिन वो बलूचिस्तान की खबर को नहीं बता रहे थे। अगर बलूचिस्तान में अगर कोई भी पाक आर्मी की गाड़ी लापता होती है या पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर जो लापता होती है तो उसके पीछे बलूचिस्तानी होते हैं और बलूचिस्तानी वो उनको मार देते हैं और इस खबर को मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। उसके बाद उसकी तलाश का काम शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला ऑफिसर्स मौजूद थे। आईएसपीआर का यह बताना था कि हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका राबता मुनक़ता हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें FC पुलिस के साथ लेवीस के अहलकार भी मौजूद थे। इलाके के मकामी अफराद भी असिस्ट कर रहे थे इस सर्च ऑपरेशन में और ये इलाका जो है दुश्वार गुजार है, पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से तलाश में दुश्वारी का सामना। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ISPR का हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद होने का उन्होंने कहा है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद हादसा खराब मौसम के बायस हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आपको बता रहे हैं जहां पे तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मलबा विंदर के इलाके मूसा गोट के करीब से मिला। ISPR का यह भी कहना है कि शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। फौज पाकिस्तान के 6 अफसरान जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए हैं और DGSPR की जानिब से इसका बाज़ाब्ता जो बयान है वो जारी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था उसका जो मलबा है वो मिल गया है और कोर कमांडर 12 कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत वो जामे शहादत इसमें नोश कर गए हैं। और आपको मालूम है कि कल 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था जो कि उत्तर के इलाके से इसने प्रवास की थी और इसने रांची आना था, फिर ये लापता हो गया था। याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जनूबी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद के ज़रिए दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करता था, जहां उन्हें 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हवाले किया जाता था, जो फिर इन्हें बॉर्डर पार करवाकर भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में दाखिल करने में सहूलतकारी के फ़रज़ सरंजाम देता था।
और बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग दैट एरिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब जी बिल्कुल, मूसा गोट बंदर लसबेला में क्योंकि सैलाबी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एटीसी से रब्ता मुनकता हुआ है पाक फौज के इस हेलीकॉप्टर का, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, कमांडर बारा कोर समेत तमाम छह अफसरान और सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं। मौसम की खराबी इसकी पहली वजह सबसे बड़ी बताई जा रही है हादसे की। और उधर पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने 6 आला फौजी अफसरान समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जहन्नम वसाल हो गए हैं। 12 कोर का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली बलोच शर्मचारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था और नौशकी और पंजगोर में मजीद ब्रिगेड के हमले के बाद इसे बलोचों को मारने के इवज कई तमगे भी दिए गए। मगर ये क्योंकि एक कोस्टल लाइन के साथ ये एक्सेस है लसबेला से कराची का, जिसके मुताबिक ओथल से ये फ्लाइट उड़ी थी 5:10 पे और इसको लैंड करना था पीएफ बेस कराची में 1 घंटे की प्रवास के बाद, मगर 6:50 पे जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ाए गए इसकी तलाश के लिए एटीसी से रब्ता मुनकता होने के बाद तो ये नहीं मिला। लिहाजा ये तमाम तर तहकीकात की जा रही है कि हादसे की वजूहत क्या थी, तकनीकी खराबी थी या कोई और वजूहत इसमें हो सकती हैं, ये तकनीकी खराबी उड़ान भरने से पहले मौजूद थी या मौसम की वजह से, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने स्ट्रगल किया। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज का लापता हेलीकॉप्टर इसका मलबा मिल गया है। आज सुबह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन भी किया था और जो ऑपरेशन जारी था उससे मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की थी। ताजा तरीन अपडेट ये है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। बलूचिस्तान में सैलाब जदगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, उसकी तलाश जारी थी। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला ऑफिसर्स मौजूद थे। और आज में जो एनी शाहिदीन के मुताबिक वो थी एक सामने आई है एक नैरेटिव, तो ये तमाम तर चीजें भी देखी जाएंगी कि इसका ये किस पहलू पर जाती है। अलबत्ता मौसम नो डाउट के इस सारी एक्सेस पे, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ साथ आधी से ज्यादा प्रवास का वक्त है, तो ये इसमें एक बड़ी वजह है कि तेज हवाएं या जो बारिश एक फैक्टर हो सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि अलकायदा का सरबराह एमन जवाहरी अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में मार दिया गया है। रेडियो हमालिया के तजिया नगारों की राय है कि अल जवाहरी पाकिस्तान में छुपा हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने काबुल पहुंचाया और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका को दी। ख्याल है कि एमन जवाहरी को पाकिस्तानी फौज ने कुर्बान करके अमेरिका को आईएमएफ कर्जे की किस्त अदायगी यकीनी बनाने की कीमत अदा की है। इस हेलीकॉप्टर पर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवान सवार थे और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली से मुतल्लिक के 12वीं कोर जो आर्मी की है उसके कमांडर हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी की जो हेलीकॉप्टर निकली थी वहाँ के लोगों को देखने के लिए कि वो किस हालात में है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में इस समय पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और वहाँ पर सैलाब का माहौल बन चुका है, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी गई थी उसका जायज़ा लेने के लिए कि किस तरह की हालात हैं। वो उनका हेलीकॉप्टर जो बलूचिस्तान में पहुँचा तो उसका लापता होने की खबर आ गई थी कल। दोस्तों अब वो लापता होने वाली हेलीकॉप्टर का पता लग चुका है और उस हेलीकॉप्टर में जो 6 लोग बैठे थे वो अब एकदम पूरी तरह से मर चुके हैं, क्योंकि उस पर बलूचिस्तान के रिटायर फौजी ने एक मिसाइल दागा था, रॉकेट दागा था, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 6 के 6 बड़े ऑफिसर जो हेलीकॉप्टर के अंदर में बैठे थे वो मारे गए। दोस्तों बलूचिस्तानियों की ये जंग पाकिस्तानी फौजी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल साबित होने लगी है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक पाकिस्तानी के जो हेड जनरल थे वो जब जा रहे थे बलूचिस्तान के अंदर से तो वो उनको अगवा कर लिया गया था और कुछ दिन बाद उनको मार के चौराहे पे लटका दिया गया था। और दोस्तों फिर आज ये खबर आ रही है कि हेलीकॉप्टर को ही रॉकेट से दाग दिया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी खबर मानी जा रही है।
क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों के अंदर में बगावत शुरू हो चुकी है और जिस फौज के अंदर में बगावत हो जाती है वो पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान पूरा का पूरा एकदम से गर्क हो जाएगा उसका बेड़ा। तो इसी टॉपिक पर वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।